माँ बनना हर औरत के लिए बहुत ही खास और ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। शादी के बाद हर महिला को प्रेग्नेंट होने का इंतज़ार रहता है, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। जो महिलाएं बच्चा चाहती है उनके लिए ये इंतज़ार काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सब हमारे हार्मोन्स और बॉडी पर निर्भर करता है। प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन सभी महिलाएं अक्सर इसी असमंज में फंसी रहती हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। बहुत सी महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि सेक्स करने के बाद कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ ईशान और आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और पीरियड के मिस होने के कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह आता है कि प्रेगनेंसी की जांच कब करनी चाहिए। पीरियड्स हो जाने के कुछ दिन के बाद ओवरी से एक अंडा निकलता है जो सेक्स के बाद स्पर्म के संपर्क में आके निषेचित हो जाता है। ये नहीं कह सकते कि उसी समय प्रेगनेंसी हो जाती है क्योंकि इसकी पुष्टि तब होती है जब HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का रिसाव होना शुरू हो जाता है। इस हार्मोन का रिसाव होने के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट सही रिजल्ट दे पाएगी कि आप प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। पीरियड मिस होने के कितने दिन के बाद टेस्ट करना चाहिए? साफ तौर से प्रेगनेंसी का तभी पता लगाया जा सकता है जब महिला के खून में निषेचन के बाद HCG यानी हार्मोन का रिसाव होने लगे। ज़्यादातर महिलाओं में इस प्रोसेस को पूरा होने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। पीरियड्स का मिस होना प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण होता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर महिलाएं जानती ही है। लेकिन प्रेगनेंसी की पुष्टि करने के लिए आपको पीरियड मिस होने के बाद 7 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप पता लगा पाएंगी कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर सेक्स के बाद तो आप इस प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर सकती हैं, लेकिन सेक्स करने के बाद अगर आपका पहला पीरियड मिस हो जाता है तो पहला पीरियड मिस होने के बाद आप अगले दिन भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं और ज़्यादा कंफर्म रिजल्ट पाने के लिए आपको पहला पीरियड मिस होने के 7 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फर्स्ट पीरियड के मिस होने के बाद 7 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो इससे आपको बिल्कुल कंफर्म रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उस समय पर HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ब्लड में काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है और उससे रिजल्ट काफ़ी क्लियर आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रेगनेंसी की जांच कैसे करनी चाहिए। घर पर प्रेगनेंसी की जांच करने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका होता है HOME-UPT यानी होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। इसे आम भाषा में HPT भी कहा जाता है। इसके लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आप ऑनलाइन या किसी भी मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकते हैं। लगभग 40 से 50 रुपये के बीच में आपको ये किट मिल जाती है। इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ड्रॉपर की हेल्प से कार्ड पर कुछ बूंदें डालनी होती है और उसके बाद उसमें आपको रिजल्ट शो होता है। रिजल्ट में अगर एक पिंक लाइन आती है तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट निगेटिव है और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। लेकिन अगर कार्ड पर 2 पिंक लाइन आती हैं तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट पॉजिटिव है और आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर एक लाइन पिंक आती है और एक हल्की हल्की पिंक आती है तब भी रिजल्ट पॉजिटिव ही माना जाएगा और इसका मतलब होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बना दिया है कि आप घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट की हेल्प से प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर सकती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जा करके उस वीडियो को देख सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की नई नई वीडियोस आपको रोज़ाना सबसे पहले मिलती रहें।